गोल्ड के प्राइस 60,000 को क्रॉस कर चुके हैं। हर कोई गोल्ड के प्राइसेस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा आया था कि गोल्ड के प्राइसेस 4 साल में एवरी ईयर 70% CAGR से बढ़ रहे थे। कैन यू इमेजिन, 70% ईयर ऑन ईयर रिटर्न आ रहा था पूरे 4 साल तक। लेकिन ये कब हुआ था? ये हुआ था लेट 1970s में टिल 1980। अब आपको लगेगा ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा रीसेंट पास्ट में लेकर जाता हूँ। 2007 और 2012 के बीच में, 12 और 13 के बीच में, 6 साल के अंदर अंदर गोल्ड के प्राइजेज ने रिटर्न दिया था 20% ईयर ऑन ईयर रिटर्न, जहां पर गोल्ड के प्राइजेज 10,000 से बढ़ के सीधा सीधा 30,000 तक पहुंच गए थे। अब आप देखोगे कि लोग यहाँ पर डिबेट करते हैं कि गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि इक्विटी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो इसी के बारे में है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इनके रिटर्न कंपैरिजन आप किस तरीके से या किस पॉइंट से आपको देखना चाहिए, और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, जो कि मिसिंग होता है बहुत सारे वीडियोज़ में, तो मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा जिस बारे में आपको सोचना है, और उसके बाद में आपको उसके ऊपर में अपने एक्शन को लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं गोल्ड और इक्विटी में रिटर्न कंपैरिजन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे बढ़े और मैं आपको ये समझाऊं कि गोल्ड का प्राइस कंपैरिजन कैसे करना है, सबसे पहली चीज जो आपको समझना है, आपको ये समझना होता है कि जब कभी भी कोई हमें कोई स्टैटिस्टिक्स देता है, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या बताया जाता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या छुपाया जाता है वो उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है। हर कोई अपने अपने स्टैटिस्टिक्स को अपने अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करता है। जैसे अभी अभी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एक बहुत लर्नड पर्सन ने एक कंपैरिजन किया है गोल्ड और इक्विटी का, जहाँ पर उन्होंने सेंसेक्स को रखा है अपने साथ रिटर्न को कंपेयर करने के लिए, तो हम भी सेंसेक्स को ही रखेंगे। उन्होंने एक बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है, अगर पढ़ने वाला उसे लिटरली फेस वैल्यू पे ले ले तो वो फंस सकता है। कैसे फंस सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। 1979 में जब सेंसेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो 1979 में सेंसेक्स की वैल्यू थी 100, और उस समय गोल्ड की वैल्यू थी तकरीबन 1,000, और आज जब आप देखते हो तो सेंसेक्स भी 60,000 पे है और गोल्ड भी 60,000 पे है। तो कंपैरिजन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको ये बताया जाता है कि देखिए, इक्विटी सबसे बढ़िया होता है, इक्विटी के रिटर्न सुपीरियर होते हैं, और अगर आपने उस समय 100 रुपये लगाए होते तो वो 60,000 बनते इक्विटी में, और अगर आपने गोल्ड में 1,000 रुपये लगाए होते तो आपके 1,000 रुपये बनते 60,000। तो देखिए दोस्तों, फिर तो ये वही बात हो गई। अगर हम बात करते हैं सपोज रिसेंट पास्ट की, 2021 की, तो 2021 में जब निफ्टी ने अपना हाई बनाया 18,600 का, अगर मैं उस हाई से सारी प्राइसेस को कंपेयर करना चालू कर दूं, तो निफ्टी का रिटर्न अभी भी नेगेटिव है तकरीबन 1.5 साल के बाद, और अगर ये 18,600 में वापस भी पहुंच जाता है तो ये फ्लैट रिटर्न्स होंगे। और बहुत लोग क्या करते हैं, जब आपको कोई गोल्ड का या सेंसेक्स का भी रिटर्न दिखाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि लो पॉइंट को पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं तो आपको ये देखना होता है कि वो स्टैटिस्टिक्स आपको क्या एक जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स को क्या इस तरीके से यूज़ कर रहा है कि वो आपको प्रूफ कर दे कि ये एसेट क्लास या ये इंस्ट्रूमेंट दूसरे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से बेहतर है। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है आपको ये बताने के लिए कि स्टैटिस्टिक्स आपको कन्विंस करने के लिए यूज़ कर रहा है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो चलिए, अब मैं जब आपको बता रहूँगा कि गोल्ड का रिटर्न आपको क्यों सेंसेक्स के स्टार्टिंग से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब सेंसेक्स स्टार्ट हो रहा था तो मैंने आपको बताया कि 1976 से लेके 1980 तक
जो गोल्ड की प्राइजेस थी $100 से बढ़कर वो पहुंच गई थी $850, 8 times गोल्ड के प्राइजेस बढ़े थे। वो क्यों बढ़े थे? क्योंकि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू चला गया था और उस समय ऑयल प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे उस हाई से तो आपको हमेशा कम दिखेगा। अब अगर मैं ये बात करूं कि जब गोल्ड 1000 था या सेंसेक्स 1000 था तब से, तो वो भी सही नहीं होगा। सबसे सही कंपैरिजन होता है 1996 में गोल्ड की प्राइजेस पहली बार 5000 टच की थी और सेंसेक्स ने 5000 टच किया था 1999 में। तो अब आपको यहां से कंपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए कि अगर 5000 की चीज जो 1996 में 5000 की थी गोल्ड की प्राइजेस, आज की डेट में कितनी है, वो है 60,000। तो आपको एनुअल रिटर्न कितना आया, और आपको कंपेयर करना चाहिए सेंसेक्स को जब वो 1999 में 5000 टच करता है और आज जब वो 60,000 है तो वो रिटर्न कितना आ रहा है। तो ये पहला पॉइंट है। ऐसे हम लेयर दर लेयर इसको चेक करेंगे कि क्या रिटर्न्स आए हैं और कितने रिटर्न्स आए हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप प्री लिबरलाइजेशन एरा में जाएंगे तो गोल्ड के प्राइजेस कंट्रोल्ड होते थे, डॉलर्स के प्राइजेस में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता था। तो कोई भी मॉडर्न डे कंपैरिजन अगर आपको करना है तो वो पोस्ट 1993 करना चाहिए। हमने पहले एक बेंचमार्क को पकड़ा है जब गोल्ड ने पहली बार 5000 को टच किया और जब सेंसेक्स ने पहली बार 5000 को टच किया। तो देखिए 5000 जो गोल्ड के थे 1995 से लेके 2023, यानी कि पिछले 28 सालों में उनकी प्राइजेस कितनी हुई है, उनकी प्राइजेस 5000 से 60000 हुई है। लेकिन 5000 से 60000 होने में सेंसेक्स को कितना टाइम लगा? सेंसेक्स को टाइम लगा है मात्र 24 साल। तो जब आप इस चीज को देखते हो तो आपको डिफरेंस समझ में आता है। जहां पर गोल्ड का CAGR आ रहा है 9.7%, वहीं पे सेंसेक्स का CAGR आ रहा है 10.9%। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे पिछले, अगर आप, मैं 24-25 साल को पकड़ता हूं तो गोल्ड और सेंसेक्स में सेंसेक्स हावी रहा है 1% से। लेकिन अब आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है क्योंकि जब लोग इक्विटी रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो वो 15%, 20% और 25% इसके नीचे बात ही नहीं करते। तो अब आपको एक आइडिया लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में जिसको हम इक्विटी रिटर्न कहते हैं, इंडेक्स का रिटर्न, वो कितना आता है। अब अगर मॉडर्न फाइनेंशियल टाइम में देखेंगे तो एक और ब्रेक थ्रू पीरियड, एक और इंपॉर्टेंट पीरियड आता है 2005 का। तो जब आपने देखा कि 1996 में गोल्ड प्राइस पहले वो रीच किए आपके 5000 पॉइंट को, लेकिन सेंसेक्स ने मात दे दी गोल्ड को 10,000 पॉइंट रीच करने पे, जो उसने रीच किया 2005 में। और गोल्ड ने 10,000 पॉइंट को कब रीच किया? 10,000 पॉइंट को रीच करने में गोल्ड को लग गए और 2 साल, यानी 2007। तो अब अगर आप यहां से कंपैरिजन स्टार्ट करते हो कि जब 10,000 पॉइंट यानी 2005 और अभी क्या चल रहा है आपका 2023, तो कितने साल होते हैं? यहां पर साल होते हैं तकरीबन 18 साल। लेकिन सेंसेक्स ने 60,000 का आंकड़ा टच किया था 2022 में। जब वो 2022 में आप जब देख रहे हो कि वो 60,000 पॉइंट पे है, तो यहां पर आपका पैरामीटर क्या हुआ? यहां पर पैरामीटर हुआ आपका 17 साल। और जब आप गोल्ड से कंपेयर करोगे तो आपको 2017 से करना पड़ेगा, और उसे 2023 आते आते 60,000 का आंकड़ा टच कर रहा है, तो वो होता है 16 साल। तो इन 17 साल और 16 साल यहां पर किसने बाजी मारी, ये भी आपको दिख रहा है। क्योंकि सेंसेक्स पहले 60,000 पहुंचा, लेकिन उसने 2 साल पहले अपनी जर्नी चालू की थी 10,000 से, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न थोड़ा सा कम है। तो यहां पर आप देखोगे कि सेंसेक्स का रिटर्न आता है 11.9% और गोल्ड का रिटर्न आता है 11.2%।
अब मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में ही बताया था 2007 और 2013 के बीच में गोल्ड के रिटर्न्स थे 20% CAGR, लेकिन जब 20% CAGR उस समय दे रहा था और अभी जब आप देख रहे हो वो 11.9% दे रहा है उसी समय से, तो ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि गोल्ड के प्राइसेस करेक्ट करके गए। तो यहाँ पर हमें लेसन क्या मिलता है? लेसन हमें ये मिलता है कि कोई भी एसेट क्लास का एक टाइम फ्रेम होता है, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फिक्स्ड इनकम हो, चाहे वो इक्विटीज हो, एक रनअप आता है, रनअप के बाद में स्लो डाउन आता है। एज अ इन्वेस्टर आपको क्या ध्यान पे रखना चाहिए? जब रनअप बढ़ चुका होता है तब आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट को कम करना चाहिए, और जो एसेट क्लास गिर रहा है आपको थोड़ा थोड़ा पैसा वहां पे एलोकेट करना चाहिए। तो अब यहां से हम देखते हैं कि गोल्ड और सेंसेक्स में और क्या रिटर्न कंपैरिजन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है। तो जैसा जब आप चार्ट में देखते हो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और माइलस्टोन आता है मॉडर्न डे फाइनेंशियल मार्केट में, वो होता है 2014। 2014 के बाद से आपने देखा है कि लोगों में फाइनेंशियल मार्केट को लेकर रुझान बढ़ा है। जब से उस समय जब मार्केट ने रिटर्न्स देना स्टार्ट किया, उसके बाद दो या तीन बार आपको रैली ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अगर आप 2014 को देखोगे तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो एक और तरीके से इम्पॉर्टेंट बनता है, और उसके पीछे कारण ये है, एक ऐसा इन्फ्लक्स पॉइंट आया जो 2013 में गोल्ड 30,000 था वो गिर कर 25,000 आ गया, और जो सेंसेक्स 20,000 का टॉप बनाया था 2008 में और उसको स्ट्रगल करते 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 वो 2014 में 25 पे आया, तो गोल्ड और सेंसेक्स का एक इन्फ्लक्स पॉइंट आया 2014 में जब वो दोनों ही 25,000 पे थे। तो अगर आप अपनी कहानी 2014 से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए रिटर्न कंपैरिजन एकदम सिंपल है। गोल्ड भी 60,000 पे है, सिल्वर भी 60,000 पे है, तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ दिखेगी कि एक हेयर एंड टॉर्टाइज की स्टोरी चल रही है, जहाँ पर कभी सेंसेक्स 50,000 को पहले टच करता है, फिर 60,000 को पहले टच करता है, लेकिन पीछे पीछे गोल्ड क्या है उसको वापस से टक्कर देता है और उसे वापस से रिक्लेम कर लेता है उस जगह को। लेकिन अगर आप एक टाइम पीरियड देखोगे, जब सेंसेक्स 20,000 गया तो 20,000 से 30,000 आने में उसको सालों लगे, लेकिन गोल्ड जो पीछे से उसने पहले 20,000 को कवर किया, फिर 25 को किया, फिर 30 को किया, लेकिन जैसे ही 40 तक बात आई अब कौन हावी होने लगा, वापिस से सेंसेक्स हावी होने लगा, लेकिन ऑफ लेट अब सेंसेक्स कूल ऑफ कर रहा है और गोल्ड रफ्तार पकड़ रहा है। तो देखिए, इतने सारे जो मैंने आपको अलग अलग स्टैटिस्टिक्स बताए, जहां पर कभी आपने गोल्ड के रिटर्न्स को हावी होते हुए देखा, कभी आपने सेंसेक्स के रिटर्न को हावी होते हुए देखा, अगर आप लॉन्गर पीरियड का टाइम देखेंगे तो गोल्ड और सेंसेक्स के रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं, विद अ एज टुवर्ड्स सेंसेक्स, जहां पर आप देखोगे मार्जिनल एज होता है सेंसेक्स की तरफ। ये फैक्ट है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आपको इसे कैसे समझना चाहिए और कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इसे यूज करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि लोग स्टैटिस्टिक्स को अपना खुद का पॉइंट प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं, और मैंने यहां पर क्या किया है, स्टैटिस्टिक्स में आपको मैंने एक रॉ डेटा दिया है, जहां पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स में उलझेंगे तो आप एक बिगर पिक्चर को खो देंगे। देखिए, जब लोग डाइट के बारे में बात करते हैं तो वो प्रोटीन को कुछ इस तरीके से शो करते हैं कि सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर एक चीज़ आती है बैलेंस डाइट, जहाँ पर हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस होती है, जहाँ पर आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, फैट्स की ज़रूरत होती है, फाइबर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एक अच्छे पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहां पर आपका एसेट एलोकेशन टुवर्ड्स ऑल द एसेट एक सर्टन प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो मैंने आपको दो से तीन इंस्टेंसेस बताए जहां पे गोल्ड की प्राइजेस
बहुत तेजी से फ्लेयर अप की थी, ऊपर की तरफ गई थी। वो कब कब हुआ था? वो तब तब हुआ था जब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आई थी या कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था। 70s 80s में आपने देखा था जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, 2008 में एक रिसेशनरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बना था। तो ऐसी सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं। तो कभी भी आप देखोगे कि गोल्ड जो सात सात आठ आठ दस दस साल ठंडा पड़ा रहता है, अगले 4-5 साल में आपको ऐसी रनअप दे देता है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। जब गोल्ड 1,000 था तो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर था, गोल्ड आज 60,000 है तो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और देखते ही देखते जैसे जैसे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आप देखोगे गोल्ड वहां पे रनअप कर चुका होगा। तो देखिए इस चीज को आप समझिए, जब हम कंपेयर कर रहे हैं गोल्ड को इक्विटी से, तो कोई भी उठ के खड़ा होके ये कह सकता है कि सर अगर मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता या मैंने डीमार्ट में इन्वेस्ट किया होता या मैंने बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया होता तो मुझे तो एक्स वाई जेड रिटर्न आते। तो क्या आपने एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते? जी नहीं, उसके अगेंस्ट में आप शायद रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करते, रिलायंस कैपिटल में भी इन्वेस्ट करते, उसके बाद आप सुजलॉन में भी इन्वेस्ट करते, आप यस बैंक में भी इन्वेस्ट करते। तो कंपेरिजन होता है लाइक चीजों के बीच में। इक्विटी एज अ एसेट क्लास, गोल्ड एज अ एसेट क्लास सेपरेट है। फिक्स्ड इनकम की आपके पोर्टफोलियो में जगह होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में रियल स्टेट की भी जगह होनी चाहिए, लेकिन प्रपोर्शन पे। तो जब हम बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि ये इन थिंग है, तो हम गोल्ड को देखते हैं एज अ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंश्योरेंस अगेंस्ट अगर कोई दूसरी कंट्री आपके ऊपर हमला कर दे या कोई भी कोई वर्ल्ड में भी अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है। प्लस लोग जो एक बात भूल जाते हैं, गोल्ड के प्राइजेज इंटरनेशनल होते हैं, इंडिया में वो कन्वर्ट होते हैं इन डॉलर टर्म्स। तो जैसे जैसे डॉलर अपनी करेंसी के अगेंस्ट में स्ट्रांग होता है, उसके अगेंस्ट भी हेज का काम करता है गोल्ड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गोल्ड को आप एज अ इंश्योरेंस देखें, अपने पोर्टफोलियो में तकरीबन तकरीबन 10% की हिस्सेदारी दें। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के भी तरीके होते हैं जो कि कुछ तरीके टैक्स एफिशिएंट होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये लग रहा है कि आपको और जानकारी चाहिए गोल्ड के बारे में कि गोल्ड को किस तरीके से खरीदना चाहिए या क्या टैक्स चेंजेस आए हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो देखिए मैंने आपको कहा था मैं आपको एक कंक्लूजन भी दूंगा। तो इस वीडियो में आपको कंक्लूजन क्या मिलता है? इस वीडियो में आपको कंक्लूजन ये मिलता है, एक हर एसेट क्लास की साइकिल होती है। जो गोल्ड के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं उनका कहना होता है गोल्ड की प्राइसेस लगातार बढ़ती हैं, जो इक्विटी को अच्छा सोचते हैं वो कहते हैं गोल्ड कभी भी मुझे 20% 25% या 15% रिटर्न नहीं दे सकता। लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म में अगर आपने प्योर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिटर्न गोल्ड के आसपास ही आएगा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपको मल्टीपल रिटर्न्स चाहिए जो बीट करते हैं इंडेक्स के रिटर्न को, तो आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में और आपको वो सुपीरियर रिटर्न्स को जनरेट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको समझना यह है कि की है एसेट एलोकेशन, न कि एक एसेट क्लास के पीछे भागने में। और एक चीज जो मैं आपको बार बार कहूंगा वो ये है कि जब कोई एसेट क्लास रनअप दे चुका होता है, उस एसेट क्लास के पीछे अगर आप भागते हो तो ज्यादातर चांसेस आपको इन्फीरियर रिटर्न्स आएंगे। अच्छा समय तब होता है जब कोई भी एसेट क्लास डिप्रेस्ड हो। तो अपने आसपास ऐसे एसेट क्लास को ढूंढिए जो डिप्रेस्ड है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, लगातार इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हर एसेट क्लास को एक सर्टन एलोकेशन देना होता है, आपको एसेट एलोकेशन को सीखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित होगा, जहाँ पर आप ये समझ सकोगे कि कोई भी एक चीज़ के पीछे भागने से फ़र्क अच्छा बात नहीं होती, कोई फ़र्क पड़ता नहीं आपके पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो को अच्छा फ़र्क पड़ता है तब जब आप प्रॉपरली एसेट को एलोकेट करते हो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स पर आप बताइए कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो, या इस वीडियो में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको पसंद आया, और आप ऐसी कौन सी टॉपिक है गोल्ड के बारे में जिस पे आप हमसे एक नया वीडियो चाहते हो।